शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। एक दिन के लिए नहीं दिला रहा, चेक करो, अगर कोई भी विघ्न आता है, तूफान आता है, तो तूफान तोहफा बन जाता है। बाबा कहते हैं परीक्षा तो आएगी, लेकिन परीक्षा में आप पास भी तो ऑनर हो गए। परीक्षा ऐसे नहीं कि मैं ओके हूं तो मेरे पास परीक्षा ही नहीं आएगी, अगली क्लास में कैसे चलेगा। अगर मैंने छठी का इम्तिहान थर्ड डिवीजन में पास कर लिया, थर्ड डिवीजन में क्या तो नहीं लगता कोई थर्ड डिवीजन में पास होगा, तो दोबारा छठी का इम्तिहान में नहीं दे सकता। लेकिन सातवीं में मेरी नई परीक्षा होगी, उसमें मैं फर्स्ट डिवीजन में भी आ सकता हूँ। तो बाबा कहते हैं तूफान तूफान नहीं लेकिन तोहफा बनता है। जो खिलाड़ी होते हैं बड़ी बड़े खेल खेलते हैं, खुश होते हैं, इसमें मैं जीतूंगा मुझे मेडल मिलेगा। तो हमारी परीक्षा हमारे लिए वेलकम है। कोई भी माया का वार होता है तो अनुभव कराता है, माया तो अनुभव कराती है माया, तो वह अनुभव भी ऐसे अनुभव हो कि हमको ये अनुभव की सीढ़ी आगे बढ़ा रहे, हम सीढ़ी ऊपर चढ़ रहे। इसके लिए बाप दादा कहते हैं कि सदा अपने चार्ट को, अपने ही चार्ट को सिर्फ चेक करो। जब आप चार्ट लिखने बैठेंगे, एक दिन लिखेंगे, दूसरे दिन सोचेंगे क्या लिखो, ये तो खाली रह गया, तीसरे दिन सोचेंगे छोड़ो क्या चार्ट लिखना, तो दिल में ही रखेंगे। तो बाबा ने तीन बातें इसमें बताई हैं, चेक, चेंज और चार्ट। ये हमारे कल्याण के लिए, आप बड़े बड़े लोग जो थे गांधी वगैरह, वो अपना चार्ट रखते थे, दिनचर्या लिखते थे। तो कोई भी दिनचर्या लिखेगा पहले खाली रह जाते हैं, तो लिखना जरूर, अगले दिन आपको प्रोग्रेस मिलेगी। तो बाप कहते हैं जितना अपना चार्ट चेक करेंगे उतना ही चेक करके चेंज करेंगे। अगर चार्ट नहीं लिखेंगे तो चेक भी नहीं करेंगे, चेक नहीं करेंगे तो चेंज भी नहीं करेंगे। मुरली में सुना चेंज करना चेक करना यही रह जाए। तो हर एक अपने चार्ट को चेक करते हो, जो रोज चेक करते हैं वो हाथ उठाओ। बाबा ने कहा जो रोज चेक करते हैं, कल में तो सबने उठाया, आज की सभा में जो रोज चार्ट चेक करते हैं बाबा ने भी कहा है वो हाथ उठाइए। चलो जो रोज चेक करने की इच्छा रखते हैं वो तो उठाओ। अब देखो नया साल आ रहा है, नए साल में हर व्यक्ति नई डायरी लेते, अपनी डायरी खाली रहती है हमारी ज्यादातर, उसमें अपना चार्ट लिखना शुरू करो। अगर आपको डर लगे कि मेरी डायरी ना पढ़े तो कोड वर्ड में चार्ट लिखना शुरू।